बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार और बहुत ही जल्दी बनने वाले आलू गोश्त के सालन की रेसिपी। तब हम आलू गोश्त का सालन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आलू गोश्त का सालन बनाने के लिए यहाँ पर हम हाफ कप बॉल का ऐड करेंगे, दो बड़े कटे हुए प्याज ऐड करेंगे। अब हम प्याज को मिक्स कर देंगे, इसे मरमरा सा कर देंगे। हमने इसका डार्क ब्राउन कलर नहीं करना। अब प्याज मरमरा सा हो गया और इसका कलर भी चेंज हो गया। तब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। अब हम इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से और इसे भी फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ। अब हम इसके अंदर 1/2 kg मटन का गोश्त ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे, 1 teaspoon जीरा पाउडर, 1 teaspoon धनिया पाउडर, 2 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी कलौंजी ऐड करेंगे। कलौंजी हम अपने हर खाने में ऐड करते हैं क्योंकि इसके अंदर मौत के अलावा हर एक बीमारी का इलाज है। 1 tablespoon लाल मिर्च पाउडर, 1 teaspoon नमक, नमक और मिर्च आप टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है तो हम इसके अंदर 1/2 cup योगर्ट ऐड करेंगे। कोई भी वाइट चीज ऐड करते हैं तो फ्लेम को जब ऑफ कर देना चाहिए, अगर फ्लेम ऑन होगा तो इसके अंदर गुठलियां बन जाएंगी योगर्ट की। तब हम इसे मिक्स कर देंगे। तो अब हमने योगर्ट को मिक्स कर दिया, देखिए मसाले के अंदर कोई गुठलियां नहीं बनी। अब हम फ्लेम को ऑन कर देंगे। अब हम इन सब चीजों को अच्छे से भून लेंगे। हमने इन सब चीजों को अच्छे से भून लिया तो इसके अंदर 1.5 glass पानी का ऐड करेंगे। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और 10 मिनट के लिए प्रेशर कर देंगे। तो अब हम इसके अंदर 2 आलू ऐड करेंगे। आप चाहें तो ज्यादा आलू भी ऐड कर सकते हैं, हमने यहाँ पर 2 बड़े आलू लिए हैं। तब हम आलू को गोश्त के साथ भून लेंगे। अब हम इसके अंदर 1.5 glass पानी का ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे इसे। अब हम सालन को 3 से 4 मिनट प्रेशर में स्टीम कर देंगे ताकि आलू चाहे जीले से कुक हो जाए। हमने इसे प्रेशर नहीं करना, हमने इसे सिर्फ स्टीम करना है। अब हम इसके अंदर 1/2 teaspoon होममेड गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाले की रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगी, आप जरूर वॉच करना। तो अब हमारा मैदा और जायकेदार सा आलू गोश्त का सालन जो रेडी हो गया आप देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो नेक्स्ट वीडियो पे जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और मुझे आप लाजमी कमेंट्स बताना कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।